किसान नेताओं पर बुरी तरह भड़का हाई कोर्ट, कहा बच्चों की आड़ में हथियार समेत प्रदर्शन बहुत शर्मनाक। किसान नेताओं को तो पकड़कर जेल में डालना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों पर काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि आप लोग निर्दोष और बच्चों को आगे कर रहे हो, जो कि काफी शर्मनाक है। बता दें कि कुछ दिनों पहले पंजाब के हजारों किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, हालांकि उन्हें हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी देखी गई। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग कैसे माता पिता हैं? किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा पेश की गई प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। फोटो देखने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपना लिए और किसान प्रदर्शनकारियों से कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा, आप लोग कैसे माता पिता हैं? कोर्ट ने बार बार इसे शर्मनाक बताया। आप कोई जंग करने जा रहे हैं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों पर सख्त होते हुए कहा कि बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि हथियारों के साथ आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं, ये पंजाब का कल्चर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो, ये काफी शर्मनाक है। हाईकोर्ट ने सख्त होते हुए किसान प्रदर्शनकारियों से कहा कि आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। पंजाब हरियाणा सरकार पर भी सवाल। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर भी सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रही हैं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाए। इसके बाद कोर्ट ने किसानों पर काफी सख्त टिप्पणियां की।